करने से क्लास का वाइब्रेशन गुजरता है, ना अच्छे प्रश्न निकलेंगे और ना उनके अच्छे उत्तर निकलेंगे। थोड़ी देर याद में बैठना चाहिए। जोर से बोलिए। धर्मराज राजाओं का राजा धर्मराज बनेगा। हाँ जी, जो अपने आप को भगवान का साकार रूप मानता हो, गीता का भगवान मानता हो, तो वो धारणाओं का राजा कैसे बनते हैं? प्रैक्टिकल में नहीं देखा क्या? प्रैक्टिकल में है तो वो मानना पड़ेगा ना। लेकिन धारणाओं से ही कोई भगवान नहीं बन जाता। अगर धारणाएं ही दुनिया में देखी जाए तो आज के बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के मुकाबले जास्ती धारणा करने वाले देखे जाते हैं। तो वो भगवान हो जाते हैं क्या? धारणाएं देवताओं में होती है या भगवान में होती है? देवताओं के गुणधर्म अलग और भगवान के गुणधर्म अलग। देवताओं के गुणधर्म अगर भगवान धारण करने लगे तो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, ये कार्य संपन्न ही नहीं हो सकता। इसलिए नारायण के गुण सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, ये टाइटल भगवान को नहीं दिए जा सकते। हाँ, मनुष्य सृष्टि की शुरुआत देवताओं से होती है और देवताओं में पहला पत्ता कृष्ण की आत्मा है। सिर्फ पहले जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर उसका ऐसा पार्ट है। कैसा पार्ट? दिव्य गुणों की धारणा में सबसे आगे जाने वाला। वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना, तो कोई ऐसी आत्मा भी है जो अनेक जन्मों तक सबसे जास्ती दिव्य गुण धारण करके रहती है और अंतिम जन्म में भी दिव्य गुणों का भंडार देखने में आती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान है। ये बड़ी भारी भूल हो जाती है कि दिव्य गुणों के आधार पर किसी को भगवान साबित कर दिया जाए या भगवान समझ करके बैठ जाया जाए। और तुम्हारी राजधानी स्थापन कर रहा है, कर लेगा या नहीं कर लेगा ये नहीं कहा। 20 नाखूनों का जोर दे करके तुम्हारे लिए जो कुछ भी संसार में प्रगति हो रही है साइंस की, वो साइंस के सारे साधन किसके लिए बन रहे हैं? हम ब्राह्मण बच्चों के लिए बन रहे। तो ये बनाने वाला कौन है? हैं? हम बना रहे हैं क्या? हैं? तो रावण तैयारी करता है सारी,
और ऐन मौके पर हमारे काम आ जाता है। ये नंबरवार बच्चों की बात बताई क्या? तुम्हारे लिए का मतलब ये नहीं है कि प्रजावर्ग की आत्माओं के लिए, तुम्हारे लिए माना जो नंबरवार ऊंच पद पाने वाले बच्चे हैं उनके लिए वो रावण राजधानी तैयार कर रहा है। और हम तो जन्म जन्मांतर के राजाएं रहे, जो जन्म जन्मांतर के राजाएं रहे हैं, राजाई संस्कार वाले रहे हैं, वो इतना साज सामान इकट्ठा कर पाएंगे क्या? वो नहीं कर सकते। और आप अपनी अपनी भाषा में किसी नजदीक वाले को बता दीजिए, समझ में नहीं आया। देखिए क्या आदमी हाँ जी प्रजापिता मुकर रहा है ना बाबा, हाँ जी बाद में बीच में ब्रह्मा बाबा टेम्पररी कैसा बताया वो भी मुकर रहा है ना, ऐसा बोल रहा है। मुकर्रर उसे कहा जाता है जो आदि से अंत तक मौजूद रहे। अभी भी है ना प्रजापिता में, अभी भी रथ है उसका। अरे मुकर्रर रथ की बात है, वो रथ उनका है। टेम्पररी का मतलब ना आज में था ना अंत में रहेगा, बीच में थोड़े समय के लिए निमित्त बन गया। जैसे जो भी धर्म पिताएं हैं वो अंत तक रहते हैं क्या? नहीं रहते। आज में थे क्या? नहीं थे। ऐसे ही ब्रह्मा का जो रथ है वो मुकर्रर नहीं कहा जा सकता। मुकर्रर माना आदि से अंत तक। और आपने जिन बच्चों को प्रत्यक्ष करना था कर दिया मतलब आपकी एक तो आपकी माना प्रत्यक्ष हो गई। ऐसा मुरली में पॉइंट आया था है, मुरली में पॉइंट आया था पूजा, अपने परिचय पद का उद्घाटन कब कर रहे हो? हाँ चीफ जस्टिस को बुला देंगे क्या? तो चीफ जस्टिस बुला लिया क्या? अभी चीफ जस्टिस का रूप तो सामने नहीं आया। जब चीफ जस्टिस का रूप सामने आवेगा तब समझेंगे। अभी तो अलबेले होकर के चल रहे हैं, कितना भी अव्यक्तवाणी सुने, कितना भी मुरलियां सुने, कितने भी क्लैरिफिकेशन सुने, अलबेले के अलबेले। प्रत्यक्ष किया का मतलब जो भी एडवांस पार्टी में निकलते हैं उनके पीछे बेसिक वाले ढोल मजीरे बजाना शुरू कर देते और उनको देश निकाला मिल जाता है। तो पांडव प्रत्यक्ष हो जाते हैं ना। पांडव कौन कहे जाते हैं? जिनको देश निकाला मिलता है वो पांडव कहे जाते हैं।
और पांडवों की संख्या तो मुट्ठी भर होती है, तो प्रत्यक्ष हुए ना, किसने प्रत्यक्ष किया है? उन्हीं बेसिक नॉलेज के ब्राह्मणों ने ही प्रत्यक्ष कर दिया। ये विशेष आत्माएं हैं, इनसे ज्ञान का लेन देन नहीं करना। बाप के ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, इनसे ज्ञान में हम नहीं जीत पाएंगे, तो प्रत्यक्ष नहीं हो गए। नंबर बार प्रत्यक्षता हो रही है, बाकी माला के नंबर प्रत्यक्ष हो गए ये नहीं कहा जा सकता। और बाबा सदगुरु इंद्र स्वर्ण पाए ना जी, बीज रूप आत्मा के लिए दास रूप ऐसा होता है। पहले जो परिवार का बाप है या परिवारों के बाप है वो जिम्मेवार है या बच्चे जिम्मेवार है? ढेर के ढेर परिवार है, उन परिवारों में निमित्त ढेर के ढेर बाप है। निमित्त कौन है? पहले परिवार के अन्य सदस्य निमित्त है या पहले परिवार का मुखिया बाप निमित्त है? हैं? मुखिया बाप निमित्त, मुखिया जो बाप है नंबर वार वो निमित्त है। तो अगर कोई परिवार के बाप ही सदगुरु की निंदा कराने के निमित्त बने तो गलत बात है क्या? ये अच्छी बात है, है? गलत बात हुआ ना। बाप को तो सदगुरु को पहले पहचानना चाहिए क्योंकि परिवार का मुखिया है। सदगुरु निंदक ठौर न पावे तो कौन है वो निंदा करने वाले? जो बाप की निंदा कराने के निमित्त बनते वही तो मुरली में बताया कि पहले पहचानते हैं संसार में शोरगुल करते हैं कि भगवान बाप आया हुआ है, और बाद में निंदा करते हैं। ज्ञान न होने के कारण तामसी बन जाते हैं। ज्ञान तामस को धोता रहता है, इसलिए बोला रोज रेगुलर क्लास करना है, पंक्चुअल होकर के क्लास करना है। जब से ज्ञान में चले, चाहे बेसिक चाहे एडवांस, तब से लेकर अब तक कितना रेगुलर और कितना पंक्चुअल रहे, ऐसे ज्ञान में चलने वाले बहुत कम निकलेंगे जो निंदा कराने के निमित्त बने हो। और हाँ, ये बात हल हो गई? इसमें कनेक्शन क्या होगा? एक बार और रिपीट करो उसी प्रश्न को। सूर्यवंशी जो है ना उनको छोड़ के बाकी लोगों को तो नहीं मिलेगा ना। सूर्यवंशी हो, सूर्यवंशी सूर्यवंशी हो,
और चाहे इस्लाम वंशी हो या कोई भी वंशी हो, क्या हर धर्म के जो भी हैं, चाहे कोई भी धर्म वाले हो, अच्छा आठ को ले लो, जो सबसे श्रेष्ठ है, सारी दुनिया के पूर्वज है, उनमें दूसरे दूसरे धर्मों के छिलके नहीं चढ़े हुए हैं क्या है? उनमें भी दूसरे धर्मों के छिलके चढ़े हुए इस लास्ट जन्म में। तो सूर्यवंशियों को छोड़ने की बात ही नहीं, सूर्यवंशियों में भी ऐसे निकलेंगे आठ के अलावा जो धर्मराज की सजाएं खावेंगे। और बाबा जो चिंता उतारने के बाद कौन मिल जाएगा ना है, चिंता उतारने के बाद है कौन मिल जाएगा ना इसको वही बात हो कोई बीच बात ना हूँ। छिलका उतरना अलग बात और निंदा कराना अलग बात। कोई जरूरी नहीं है कि जिन पर देवान का छिलका चढ़ा हुआ है दूसरे धर्म का वो कोई निंदा ही कराते। सिख धर्म की आत्माएं सदगुरु की निंदा कराने की ज्यादा निमित्त बनती है या और धर्मों की आत्माएं ज्यादा निमित्त बनती है, है? और धर्मों की ज्यादा निमित्त बन पड़ती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, निंदा कराने वाले जो है वो जल्दी ठौर नहीं पावेंगे, हो सकता है 2036 में जाके ठौर पावे। ठौर पाना मतलब 4.5 लाख सूर्यवंशियों की लिस्ट में तो आ गए। तो जब तक ठौर नहीं पाया तब तक दूसरे धर्म का छिलका था ना। और समय जैसे और आत्मा जैसे भी है ना, हम कैसे समय को पलटने वाला निमित्त कौन बनता है? आत्मा निमित्त बनती है या समय अपने आप पलट जाता है? आत्मा निमित्त बनती है। तो आत्मा पावरफुल हुई या समय पावरफुल हुआ? आत्मा पावरफुल हुई। इसलिए आत्मा चैतन्य है, चैतन्य आत्मा निमित्त बनती है साकार में समय को परिवर्तन करने के लिए। समय जड़ है, स्वतः परिवर्तन नहीं होता। समय को परिवर्तन करने वाले चैतन्य आत्मा चाहिए। प्रकृति जड़ है या चैतन्य है? प्रकृति मनुष्य के मुकाबले, मनुष्यों के मुकाबले प्रकृति जड़ है। जो जड़ प्रकृति है और माया है, जड़ प्रकृति भी बाप की रचना है और माया भी बाप की रचना है, दोनों ही रचना है। लेकिन जड़ प्रकृति परिवर्तन करती है या माया परिवर्तन करती है?
माया परिवर्तन कर लेती है। द्वापर युग में माया परिवर्तन कर देती है द्वैत बात फैला के। और कलयुग के अंत में इसे कलयुगी शक्ति को नष्ट करके सतयुगी शक्ति को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कौन बनता है? है? अभी बोला अगर विनाश न हो तो सतयुग प्रत्यक्ष हो जाएगा, हो जाएगा क्या? स्थापना प्रत्यक्ष हो जाएगी क्या? विनाश जरूर चाहिए। तो विनाश करने के लिए जगदम्बा के रूप में प्रकृति के पांच तत्व निमित्त बने हुए हैं। जो विनाश कराए देते प्रकृति भी बहुत पावरफुल है। समय को काल कहा जाता है। काल का पंजा किसी को छोड़ता है क्या? है? किसी को नहीं छोड़ता है। उसको कहा जाता है कालों का काल महाकाल। पांच तत्व तो पावरफुल हैं। लेकिन पांच तत्वों में काल बहुत पावरफुल है। उसको परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन शक्ति चाहिए। कौन है परिवर्तन शक्ति? वो चैतन्य है या जड़त्वमय है? चैतन्य चित्तमय शक्ति है। चैतन्य में पवित्रता है तो परिवर्तन शक्ति है। पवित्रता की पावर नहीं है तो महाकाल को भी परिवर्तन नहीं कर सकती। और कुर्ली ने कहा है माया मेरी बेटी है, मैं देखता हूँ जब तक वो बच्चा एक वर्ष पर ना चले तब तक उसको तंग करो। हटकाती रहो। एक मुझे कहा जबकि जब बाप की प्रतिष्ठा होगी सबसे पहले माया मनबुद्धि से सरेंडर होगी। पर अभी तो माया सुन रही है ना बाप की बात, तो तंग कर रही है बच्चे को चलने के लिए। तो फिर माया मनबुद्धि से सरेंडर होगी? मनबुद्धि से सरेंडर होगी। सरेंडर तो तब होगी जब कोई बच्चा जो निमित्त बना हुआ है वो श्रीमती बरखिलाफी छोड़ेगा। वो कौन सा बच्चा है? हैं? कैसा बच्चा? तो उसने श्रीमती बरखिलाफी छोड़ दी क्या? हैं? नहीं छोड़ी ना। जब वो बच्चा श्रीमत की बरखिलाफी छोड़ देगा तो माया बुद्धि से सरेंडर हो जाएगी। सूक्ष्म शरीर को माया नहीं लगती। सूक्ष्म शरीर है, माया भी बनाता है शरीरधारियों को। जो सूक्ष्म शरीरधारी है वो स्थूल शरीर राजियों को माया भी बनाते हैं या नहीं बनाते? बनाते हैं। हाँ जी।
बाबा कितना बड़ा पापी हो, कितना बड़ा भिखारी हो, बाबा तो उस बच्चे को देवता के रूप में ही देखता है। तो फिर सब बच्चों को मतलब 500 करोड़ बच्चों को देवता के रूप में देखता है? नहीं नहीं, जो बाप को पहचानता है। हाँ, जो बाप को पहचानने वाले बच्चे हैं, तो फिर पहचानने की जिनमें शिफ्ट है, उन बच्चों को बाप लास्ट रूप में देखता है, उनके आदि स्वरूप को देखता है, मध्य में जो परिवर्तन होने वाला रूप है उसको नहीं देखता। तो फिर कैसे कहेंगे 22 तक दुर्योधन दुशासन है? 22 तक दुर्योधन दुशासन है? हाँ, कैसे कहेंगे? माना 22 तक दुर्योधन दुशासन है तो है नहीं, मतलब राम और विष्णु को तो बच सकते ना? क्यों? जो विष्णु द्वारा तो माता पर चला इतना प्यार दिया, कोई मान नहीं दिया। हाँ, तो फिर बाप ने दिया। हाँ, जब जब प्यार दिया तो बाप को पहचाना, मतलब या बाप बन करके बैठा? अरे बाप बन के बैठा तो देवान आया कि नहीं? है पांडवों को ही दिखा देना स्वर्ग का आधार है। हाँ जी, क्योंकि द्रौपदी को तो नहीं दिखाया। हाँ जी, हाँ। और एक बात, इस दुनिया में सदा कायम कोई चीज नहीं सिवाय शिव बाबा के। अरे एक बात तो हल हो जाने दो, तो आगे बढ़ो। कोई अड़चन आ गई क्या? अच्छा, अड़चन वाली बात को छोड़ दो। हाँ, क्या कह रहे? वही कैसे कह रहे हैं 22 तक दुर्योधन दुशासन है? हाँ, पुरुष प्रकृति जो होती है वो द्वापर कलयुग में आतताई होती है। क्या? प्रभुता पाहि काहि मद नाहि। पुरुष जो होता है, पुरुष माने कठोर, कठोरता पुरुष शरीर में होती है या स्त्री चोले में होती है? बोलो। पुरुष चोल में कठोरता होती है, ज्यादा ताकत होती है, तो जाकी लाठी ताकी भैंस। ये रावण राज्य का नियम है, बाहुबल के आधार पर कंट्रोल करना। ये राम राज्य का नियम नहीं है, इसलिए यथा राजा तथा प्रजा। रावण के जितने भी चेहरे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो पुरुष रूप में दिखाए हैं या स्त्री रूप में? क्यों? जिसको कुर्सी मिल जाती है ना, वो अपनी कुर्सी का दुरुपयोग जरूर करता है। कि खास द्वापर कलयुग रावण राज्य की बात है। हाँ जी बाबा। ये कृष्ण स्वभाव वाले कठोर रहते हैं, उनके आपने बताए हैं कृष्ण स्वभाव वाले कठोर रहते हैं, पहलवान रहते हैं? हाँ, कोई कठोर पहलवान। हाँ बाबा, आप तो पुरुष है ना? हाँ, आपने कठोर नहीं दिखता है। कठोर नहीं दिखता है? और जिसके सर के ऊपर डंडा बजता है उससे पूछो। है जब तुम्हारे ऊपर बीतती नहीं है तो तुमको क्या पता है? आपके अंदर तो कठोर एक पैसा भी नहीं है। आपके अंदर नहीं है ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो नहीं सकता। ये आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी कन्या सरेंडर है? नहीं नहीं, क्यों है ना, पहले उससे पूछो। आत्मा है आपको कोई कठोर बोलते क्या? ये आत्माओं की बात नहीं अभी। नहीं 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 नहीं, ये हो नहीं सकता। ब्रह्मा कुमारियों से पूछो। बेटी का आपके हिसाब क्या होगा? बेटी का और आपके हिसाब तीसरे जन्मों में जो जिसके नजदीक रहता है वो उसको ज्यादा पहचानता है, या जो दूर रहता है वो ज्यादा पहचानता है? बुद्धि से पहचानते हैं। और यहाँ तो बाबा ने बोला
पहचान सकते हैं। बाप के अंदर का प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। ये बात आपकी बात को काट देती है। वो धंधे तो अभी भी लग रहे हैं, लेकिन मोटी चमड़ी वाले को पता नहीं लगता है। हाँ बोलो बाबा। सदा का शिव बाबा बोला है, सदा का जगदम्बा तो नहीं बोला, लक्ष्मी जी नहीं बोला ना। हाँ तो पुलिस तो ना है ना, सदा का शिव बाबा बोले। हाँ तो फिर तो बाबा तो छुट्टी का विषय नहीं करते है। सदा कायम शिव बाबा है वो संगम युग के लिए बोला है या 5000 वर्ष के प्राग ड्रामा के लिए बोला है? जवाब दो। सदा कायम शिव बाबा है जिसको शिव बाबा कहा जाता है। शिव माने बिंदी और बाबा माने साकार, जो भी साकार क्यों लो दोनों का मेल शिव बाबा। वो शिव बाबा सिर्फ संगम युग की बात है या ब्राड ड्रामा की बात है? संगम युग की बात। तो संगम युग में शिव बाबा स्त्री चोला धारण नहीं करता। शिव तो सबका के लिए आएगा ना, 5000 वर्ष तो शरीर रहेगा ना। 5000 वर्ष की तो बात ही नहीं है शिव बाबा के लिए। इस सृष्टि पर जिस सृष्टि की बात कर रहे हैं वो सृष्टि संगमयुगी शूटिंग काल की बात बताई है या 5000 वर्ष के प्राग ड्रामा की बात बताई? शूटिंग पीरियड में शिव बाबा है। तो शूटिंग पीरियड में सदा काल कायम एक शिव बाबा ही है, बाकी कहे जगदम्बा है या कोई और है ये नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं बोला कि आपसे बाप के साथ आता है। त्रिमूर्ति के लिए बोला है कि तीन मूर्तियों के साथ बाप आते हैं, अकेले नहीं आते। ऐसे कहीं नहीं बोला कि आठ देवताओं के साथ बाप आते हैं। होते हैं तब भी नहीं बाप, आठ देवताओं के साथ प्रत्यक्ष होते हैं। खुदा के शक्ति को आज परिस्थिति ने उठाया। उठाया का मतलब संसार में प्रत्यक्ष किया। जितना आठ ने प्रत्यक्ष किया उतना और कोई ने भी इतना प्रत्यक्ष नहीं किया। तब तो मानव शरीर गिनती की जाती है वहाँ 16108 उनकी गिनती नहीं है। कहने में आता है 9 लाख आबादी होगी। क्या 16108 होंगे, लेकिन उनमें बहुत सी आत्माएं ऐसी भी होगी जो वापस जाने वाली होगी। क्या और हाँ जी हाँ जी, जो यहाँ हमारे ऊपर अधिकार चला देंगे आगे आने वाले जन्मों में उनको हमारे अंडर में चलना पड़ेगा। जो शूटिंग करने का मतलब क्या, शूटिंग का कि जो यहाँ जलेबी खाते हैं, लड्डू पेड़े खाते हैं, 36 प्रकार के भोजन करते हैं, वो वहां भी 36 प्रकार के भोजन करेंगे। यस है।
यहाँ जो त्याग तपस्या करेंगे वो वहाँ प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। विश्व कल्याण के लिए जो त्याग करते हैं वो प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं, और जो यहाँ अपने लिए दूसरों से राजाई खींचते हैं, अपने लिए कंट्रोल खींचते हैं, कंट्रोलिंग पावर खींच करके रखते हैं, उनको वहाँ कंट्रोल रहेगा, कंट्रोल होना पड़ेगा। और बाबा ने एक जनरल बात बताई है या स्पेशल बात बताई है? सर्व सामान्य बात बताई है या स्पेशल बात बताई है? क्या समझा है? सर्व सामान्य बात बताई। और किसको जन्म दिया? ब्रह्मा बाबा की बात ही नहीं है ये, तो एडवांस की बात है कि छोटी मम्मी जो है वो एडवांस में जो आने वाली आत्माएं हैं उनमें से कोई मुखिया होगा, उसको ज्ञान दिया होगा। माना राधा पहले और कृष्ण बाद में दिखाते हैं, राधा का जन्म पहले, राधा बड़ी और कृष्ण छोटा दिखाई दिया। हाँ, कमियां दिखाई देते हैं स्थिति में रहने वाले को, दूसरे की कमियां नहीं दिखाई देती। जब देवान में आते हैं तो दूसरों की कमियां देखते हैं। आत्मिक स्थिति में रहने वाला जो स्वयं स्थिति में है वो सुख देने वाला होगा या दुख देने वाला होगा? स्वयं स्थिति से स्वर्ग और परिस्थिति से नरक है। पर है शरीर, देह, देह के बांध में रहने से दुख पैदा होता है। और ये भी तो हो सकता है कि हमने पूर्व जन्म में उसका पैसा लिया हो और उसने हमने उसे न दिया हो और इस जन्म में वो हिसाब किताब पूरा हो गया। हमने जो उसे दुख दिया वो दुख का लेन देन का हिसाब किताब उस आत्मा ने पूरा कर दिया। दोनों ही बातें हो सकती हैं। और आदि में कंदू का एक छोटा सा सैंपल तैयार हुआ। हाँ जी, तो फिर अंत में त्रिमुदल बैठेगी। हाँ, उसका भी कुछ सैंपल तैयार हुआ हाँ से है। आदि में जो सैंपल तैयार हुआ है क्या? कहाँ? जो हिसाब किताब पूरा करने वाला धर्मराज है वो लास्ट में अपना फैसला सुना देगा या आज में ही फैसला सुना देगा? आज तो एक बार
63 जन्मों में हमने ज्यादा पाप किए हैं या अंतिम 84वें जन्म में जब ज्ञान में आते हैं तो ज्यादा पाप के भागीदार बनते हैं? ज्यादा पाप के भागीदार कहाँ बनते हैं? ज्ञान में आने के बाद 100 गुना पुण्य चढ़ता है। तो धर्मराज की सजा अंत में मिलनी चाहिए या आज में मिलनी चाहिए? धर्मराज आज में प्रत्यक्ष होना चाहिए या अंत में प्रत्यक्ष होना चाहिए? और धर्मराज के लिए तो बोल दिया है अपने फरिश्ते स्वरूप का उद्घाटन कब करेंगे? चीफ जस्टिस को बुला देंगे क्या? मैंने इशारा दे दिया कि चीफ जस्टिस जब अपनी कुर्सी पर बैठेगा उस समय धड़ाधड़ फरिश्ताई स्टेज बनना शुरू हो जाएगी। जो धारणाओं में तीखा होगा, जगदम्बा सहन शक्ति में तीखी है, पार्ट आत्मा बजाती है या शरीर बजाता है? डब्बा पार्ट बजाता है या आत्मा पार्ट बजाती है? तो माँ के रूप में असली पार्टदारी कौन है? हैं? कभी कहते जगदम्बा, कभी कहते ब्रह्मा बाबा, हैं? काका रूप के तो कौन? ब्रह्मा बाबा तो भले नहीं है, फिर भी पूछा तो जाएगा सर्व गुणों का राजा कौन सा गुण? सहन शक्ति। और वो सहन शक्ति का पार्ट ब्रह्मा ने बजाया या जगदम्बा ने बजाया? सब क्या कहेंगे? वो मुख से नहीं बोल रहा है, फिर नहीं होता है। मौन बजाया। तो जितने सहन शक्ति के पार्ट को सबसे आगे बढ़ करके बजाया वो तो पास हो गया। क्या गुणराज हो गया? अभी भी जो वाणी चला रहा है, दिव्य गुणों की वाणी, जो अव्यक्त वाणी चल रही है, वो चलाने वाली कौन सी आत्मा साबित हो रही है? जगदम्बा की या ब्रह्मा की? ब्रह्मा। ज्ञान की वाणी तो नहीं है। ज्ञान की वाणी बाप चलाता है और धारणा की वाणी देवता बनने वाली आत्मा चलाती है। पहला पहला देवता बनने वाला कौन? कृष्ण बच्चे। तो जो धारणा में आगे उसी को धर्मराज बनने का हक है, है? आप किसी के द्वारा बने वो तो ठीक है, वो तो बोल दिया, वो बोल दिया, वो भी तो बता दिया कि रूहानी बनने का मार्शल कौन है? तुम सब रूहानी मिलिट्री हो। कौन? जो भी एडवांस पार्टी के बच्चे हैं वो कौन सी मिलिट्री है? रूहानी मिलिट्री है। रूहानी मिलिट्री में अगर कोई ऊपर नीचे काम करता है डायरेक्शन के बर खिलाफ तो मार्शल ला में निमित्त कौन हुआ दंड देने का? है जो मुखिया है, मार्शल है, वो कहा जाता है। लेकिन उसमें काम करने वाली पावर कौन सी है वो कोई जानेगा? कोई कोई नहीं जानेगा। ऐसे तो बाबा ने बताया है कि बाप सुख का सागर है या मार का सागर है? भक्त लोग कह देते हैं दुख भी तू ही देता है, सुख भी तू ही देता है, क्योंकि वो तो जानते नहीं है। और हम बच्चे तो जानते हैं ना कि जिसने ब्राह्मणों की दुनिया में अथाह शक्ति धारण करके सुख दिया है और बच्चों ने बदले में उसको नंबर वार दुख दिया है, दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया? कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं दिया दुख? दिया। तो हिसाब किताब कब पूरा होगा? अरे पूरा होगा कि नहीं होगा?
अरे हिसाब किताब इसी जन्म में पूरा होना है और 100 गुना होकर के पूरा होना है। नंबर प्रवेश है बोली में लिखा हुआ है सबमें नंबर वाचिव प्रवेश होगा। नंबर वाचिव प्रवेश आत्माओं में से प्रवेश करता है। नंबर वन आत्माओं में माने 500 करोड़ आत्माओं में शिव प्रवेश करता है। 108 आत्माओं में शिव प्रवेश करता है। लेकिन कोई कह तो नहीं सकता मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है। लेकिन प्रवेश तो होगा ना बाबा। कैसे पता चलेगा किसमें प्रवेश हुआ किसमें नहीं? तो प्रवेश करना न करना बराबर हो गया। हम किसकी मत पर चले? किसको मान लें? ना हम किसको मान लें कि ये शिव बाबा है? 108 में से कोई को मान लिया जाए? मान सकते हैं? नहीं मान सकते तो बेकार बात हो गई ना। उस प्रवेश करने का मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि जो समझाने वाला है वो बुद्धू है और समझने वाला शुद्ध बुद्धि है। तो जो समझाने वाला है वो हिम्मत करता है। तो बाप मदद देने के लिए हिम्मत करने वाले बच्चों को मदद देने के लिए बांधा हुआ है, इसलिए वो प्रवेश कर जाता है। दृष्टि की पावर देता है, वाचा की पावर देता है, वाइब्रेशन की पावर देता है और आत्मा को उठा लेता है। बच्चों में अहंकार आ जाता है कि हमने सेवा की। जब धर्मराज बन जाता है तभी वो गुरु होने चाहिए ना। कौन बन जाता है धर्मराज? जो भी निमित्त बना है वो धर्मराज है। नहीं नहीं सहन लो आओ तुम अभी भक्त में भक्तिमान चला रहे। नहीं बाबा जो सहनशील का पाठ बन जाए वही धर्मराज बनेगा। हाँ ब्रह्मा की सोल ही धर्मराज बनती है। तो फिर तभी उनमें वो गुरु होना चाहिए ना। है कौन सा गुरु? नहीं आत्मा की एक सत्व प्रधान स्टेज होती है और एक क्या होती है? समो प्रधान स्टेज। ये भी शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में होती है। संगम युग में सत्व प्रधान पाइप भी बजाती है आत्मा और संगम युग में तमो प्रधान पाइप भी बजाती है। जब सत्व प्रधान पाइप बजाती है तो राम और कृष्ण है और जब तमो प्रधान पाइप बजाती है तो रावण और कंस बन जाती है। बच्चे तुम्हारा बाबा एनएस में रहने वालों का विशेषता क्या है? एनएस में रहने वालों का विशेषता नचो हुआ स्मृति लगदार। एनएस में आने जाने के लिए क्या पूछा करना? मोटर कार खरीदो और जाओ। पता नहीं था लाज भी लेना है और दुनिया में पता लगाने से भगवान भी मिल जाता है। तो मनुष्यों का पता लगाना बड़ी बात है क्या? नहीं आने जाने की बात ये नहीं बताई। ये बताई एनएस में रहने वाले या आने जाने वाले हैं उनकी खास विशेषता क्या है? कोई चुनाव होता है तो कुछ तो विशेषता देखी जाती है ना। हमारा जो ज्ञान है इसकी जो फाइनल परीक्षा है उस फाइनल परीक्षा का ही मुख्य परीक्षा क्या है? है नचो मोवा स्मृति लब्धा। और वो परीक्षा के नंबर आउट होना शुरू हुए या नहीं हुए? अरे बोलो ना। आउट हो गए? नहीं अभी बोला है लेट का बोर्ड लगा है। टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। माने वासुदेवों में से जो मुख्य दो हैं वो प्रत्यक्ष हुए हैं लेकिन अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। जो बाकी छह हैं उसमें कोई का भी नंबर आ सकता है।
तो जो भी रिजल्ट आउट हो रहा है इसका मतलब परीक्षा भी चल रही है ना। नंबर वन, तो जो परीक्षा हो रही है वो मुख्य परीक्षा कौन सी है? सब की है, कोई एक दो या आठ या सौ की है सो नहीं। क्या परीक्षा है? है क्यों खुजली होने लग क्या हुआ बताओ तो मुंह से बोलो ना। उसकी परीक्षा होगी। हाँ जी, तो मुख्य गुण हुआ नष्टो हुआ इक्विटी लब्धा। वो 100% है या नहीं है वो एक अलग बात। नंबर वार होंगे प्रजावर्ग के होंगे तो वैसा गुण होगा। जो पहले जन्म की प्रजा होती है और बाद वाले जन्मों की जो प्रजा होगी उनकी कोई खासियत खसूसियत होगी या नहीं होगी? उनकी भी कोई खसूसियत है खासियत है। हाँ बाबा, 100% पतित को 100% पावन बनाता हूँ। 100% पतित को 100% पावन बनाता हूँ। हाँ, तो फिर लक्ष्मी तो 100% पतित बनती है ना, तो फिर 100% पावन कैसे बनती? ये कैसे कह दिया पतित नहीं बनती है? नहीं बाबा, तो सबसे ज्यादा पतित कौन से अंग से बनते हैं? सबसे ज्यादा धोखा देने वाला अंग कौन सा है? और ब्रह्मा कुमारियां दृष्टि देती है या नहीं देती है? संग का रंग उनको लगता है या नहीं लगता है? ये कैसे कह दिया? हाँ जी, विजय माता उनसे बनती है। विजय माता तो उनसे ही बनती है। हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ? विजय माता जो है चंद्रवंशियों से ही बनेगी, इस्लामी बौद्ध वंशियों से तो बनने वाली नहीं। जो चंद्रमा को फॉलो करने वाले होंगे उन्हीं से ही विजय माता बनेगी। बेसिक नॉलेज में है तो सब धर्म के आधारभूत, लेकिन विजय माता में आने वाले वो ही होंगे जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को फॉलो करने वाले होंगे। जो दूसरे दूसरे धर्म के छिलका वाली आत्माएं होंगी वो पुण्यात्मा होंगी या पापात्मा होंगी? है पापात्मा होंगी। जो नई दुनिया बनेगी वो सूर्यवंशी चंद्रवंशियों से बनेगी या जिनमें दूसरे दूसरे धर्मों के छिलके समाये हुए उनसे बनेगी? हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशियों से बनेगी। हाँ, बाप के संमुख रहते हुए भी बाप को पहचान नहीं। संमुख की बात छोड़ो, साथ में रहने वाले, साथ में सोने वाले, साथ में खाने वाले, साथ में खेलने वाले, वो भी मेरे को नहीं पहचान पाते। पता लगाने से भगवान कैसे बन जाएगा? भगवान भी मिल जाता है ये थोड़े ही बताया हमने, ये बताया भगवान भी ढूंढने से मिल जाता है। तुम तो बात तुरंत की तुरंत उल्टी समझ रहे हैं, कैसे काम चलेगा? है ऐसी बुद्धि क्यों बन रही भाई? ये बताया कि भगवान भी ढूंढने से मिल जाता है, तो मनुष्यों का अगर कोई संगठन है तो वो ढूंढने से नहीं मिलेगा? है वो मिल जाएगा। जिसको जिसकी चाह होती है उसको वो राह मिल जाती है।